वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, मैं राजेश आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका स्वागत करता हूँ। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए द हिंदू टूडे का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं आज का। सबसे पहले मोटिवेशनल कोट, कर्म करने में ही अधिकार है, फल में नहीं। हम केवल कर्म कर सकते हैं, फल मिलेगा या नहीं मिलेगा उसमें हमारा कोई अधिकार नहीं। वो कैप के ऊपर मूव करते हैं। आज की पहली वो कैप है एमरजेंस, मतलब निकलना, उभर के आना। द प्रोसेस ऑफ कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस और प्रोमिनेंस। आउटब्रेक मतलब विस्फोट, ए सडन अकरेंस ऑफ समथिंग अनवेलकम सच एज वार और डिजीज। सर्ज मतलब लहर, ए सडन पावरफुल फॉरवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट स्पेशली बाय ए क्राउड और बाय ए नेचुरल फोर्स सच एज द टाइड। एडवेंट आगमन, द अराइवल ऑफ ए नोटेबल पर्सन और थिंग, किसी चीज का आना। वेल मतलब अप्रत्यक्ष, पार्शली अनकंसील्ड, डिस्गाइज और अपस्कोर। एस्केलेट मतलब ट्रेव करना यानी बढ़ा देना, इंक्रीज रैपिडली। स्टैंड स्टिल मतलब ठहराव यानी रुक गया है। ए सिचुएशन और कंडीशन इन विच देर इज नो मोमेंट और एक्टिविटी एट ऑल। एकिन मतलब बराबर, ऑफ सिमिलर कैरेक्टर, कंटेजियस, संक्रमक। ऑफ ए डिजीज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन और ऑर्गेनाइज टू अनदर टिपिकली बाई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। पैथोजन रोगजनक, ए बैक्टेरियम वायरस और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट कैन कॉज डिजीज। कंटामिनेट मतलब दूषित, जहरीला। मेक समथिंग इम्प्योर बाय एक्सपोजर टू और एडिशन ऑफ ए पॉइजनस और पोल्यूटिंग सब्सटेंस। डेलिब्रेट मतलब जानबूझ के, डन कंसाइजली एंड इंटेंशनली। एफ्लिक्शन मतलब कष्ट देना यानी दुख देना, दर्द देना, ए कॉज ऑफ पेन और हार्म। तो जो आज का आर्टिकल है उसका जो टाइटल है क्या है, स्टिंग अलर्ट, यानी हमें रहना चाहिए चौकस, सावधान। द फोकस ऑन COVID-19 यानी जो हमारा ध्यान है COVID-19 की तरफ, शुड नॉट कम एट द एक्सपेंस ऑफ मॉनिटरिंग अदर डिजीज। मतलब ध्यान देना तो अच्छी बात है, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए जो बाकी और बीमारियां हैं उसका पैसा इसी में हो जाए, जैसे कि बाकी बीमारियों के लिए फिर कुछ पैसा ही ना बचे। यानी सबको बराबर ध्यान देना, जो पहले से चलती हुई आ रही है उन पर भी और जो अभी नहीं आ गई है COVID-19 इसके ऊपर भी। तो दोनों ही हमारे लिए क्या बहुत जरूरी हो गई इस टाइम पर, कि दोनों के ऊपर ही हमें फोकस रखना, ध्यान रखना और हमेशा खुद को सावधान रखना। द इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम, जो इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम है जो IDSP, द बैकबोन ऑफ इंडिया, यह एक तरह से बैकबोन है यानी रीढ़ की हड्डी है इंडिया की। डिजीज मॉनिटरिंग नेटवर्क जो मॉनिटर करती है यानी जो निगरानी करती है जो इस तंत्र को, इज रिस्पॉन्सिबल और यह उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, अलर्टिंग द सेंटर एंड द वाइडर वर्ल्ड, कि यह पहले से ही अलर्ट कर देती है कि आने वाले कुछ बीमारियों के बारे में सेंटर को भी और वाइडर वर्ल्ड को भी यानी संपूर्ण विश्व को भी। ऑन ए वीकली बेसिस और क्या है, साप्ताहिक तौर पर। अबाउट द इमरजेंस ऑफ डिजीज आउटब्रेक, कि ये वाली बीमारी अब निकल के आने वाली है जिसका विस्फोट होने वाला है। ए सर्ज इन नोवल पैथोजेंस और जो लहर आई इसकी कोरोना वायरस की जो रोगजनक। द रेट ऑफ स्प्रेड एंड रेमेडियल एक्शन टेकन, फिर जो इसके क्या फैलने की दर और जो इसके फिर नियंत्रण करने के लिए जो एक्शन लिए गए। ऑन एवरेज और अगर एवरेज पे देखा जाए, देर आर अबाउट यानी 30 से 40 इस प्रकार के अलर्ट्स मिले थे हमें यानी चेतावनी मिली थी। हाउएवर द एडवेंट ऑफ COVID-19 और ये जो इसका आगमन हुआ जो COVID-19 का, अपीयर्स टू हैव वेल्ड यानी अप्रत्यक्ष रूप से हुआ द कंट्री फ्रॉम एनी अदर डिजीज, यानी ये हमारी खुद की कंट्री की नहीं है, किसी और देश की डिजीज है। फॉर वन द लेटेस्ट वीकली रिपोर्ट अवेलेबल ऑन द IDSP वेबसाइट, और केवल एक जो लेटेस्ट एकदम करंट मतलब जो एकदम सबसे करंट में जो रिपोर्ट अवेलेबल है जो लास्ट वीक की IDSP वेबसाइट, इज फ्रॉम वीक 12 यानी 12वें सप्ताह की यानी मार्च 16 से 22 मार्च की। इट रिकॉर्ड से मेयर 6 आउटब्रेक और उसमें रिकॉर्ड की गई कि 6 विस्फोटक बीमारियां के अलर्ट्स अक्रॉस द कंट्री में यानी पूरे कंट्री में। इन द सेम वीक और उसी सप्ताह लास्ट ईयर देर वर 17 अलर्ट्स की 17 अलर्ट्स थे यानी 17 चेतावनियां थी। इन 2018 देर वर 28 एंड 2017 में 45 थी। इन वीक 11 दिस ईयर और इस साल जो 11वां सप्ताह था, देर वर 28 अलर्ट की 28 चेतावनियां थी, अलर्ट्स थे सावधान होने के लिए। 12 ऑफ विच वर फॉर COVID-19 और 28 में से 12 किसके लिए थे, COVID-19 के लिए। एंड दिस क्रॉस्पॉन्डेड और जो उससे मिलती जुली थी टू द 110 केसेज ऑफ द डिजीज, मिलने जुलने वाले 110 केसेज से, डेट वर रिपोर्टेड इन दैट वीक ऑफ मार्च फ्रॉम व्हेन द डिजीज एस्केलेटेड, कि जब वो मार्च के सप्ताह में उसमें रिपोर्ट की गई थी और जब से यह बीमारी एकदम तीव्र स्तर पर बढ़ती चली आ रही है।
वन वे और एक रास्ता है जो इसको समझने का सिचुएशन को, इज डेट वन COVID-19 वाज डिक्लेयर्ड एज पेंडेमिक। जब से ये COVID-19 जो बीमारी है इसको जब से महामारी के तौर पे घोषित किया गया एंड ए लॉकडाउन इम्पोज, और जब से लॉकडाउन लगाया गया, द IDSP टू वेंट इन टू ए नॉर्मल न्यू नॉर्मल, यानी वो भी एक तरीके से क्या है, नए प्रकार से नॉर्मल हो गए यानी साधारण, विद मोमेंट एट ए स्टैंड स्टिल, और उसी क्षण से वो एकदम से ठहर से गया है। हॉस्पिटल शट्स की यानी अस्पताल बंद हो गए हैं, एंड द ओनली टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ फॉर COVID-19 अवेलेबल एट गवर्नमेंट हेल्थ केयर फैसिलिटीज। केवल और केवल COVID-19 की ही टेस्टिंग और उसकी के उपाय यानी उसी का इलाज किया जा रहा है, अवेलेबल है गवर्नमेंट हेल्थ केयर फैसिलिटीज में। द रिपोर्टिंग ऑफ अदर डिजीज सफर्ड, और इससे क्या है जो बाकी अन्य जो बीमारियां हैं वो सफर हो रही है, कि उनकी जो ना टेस्टिंग हो रही है ना उनकी रिपोर्टिंग हो पा रही है। द नेग्लेक्ट ऑफ अदर डिजीज, और जो एक तरीके से अनदेखा करना बाकी अदर बीमारियों का, हैज बीन इंडिपेंडेंटली बोर्न आउट, वो एक प्रकार से क्या सामने आ रही है। फॉर इंस्टेंस बाय रिड्यूसिंग इन द नोटिफिकेशन ऑफ फ्रेश ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन, यानी जो कम करके क्या है, बाय रिडक्शन इन द नोटिफिकेशन, यानी कम कर दिया गया कि यार फ्रेश ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी की जो इन्फेक्शन है यानी जो उसका संक्रमण है, एंड ए जनरल डिक्लाइन इन क्लेम्स अंडर द आयुष्मान भारत इंश्योरेंस स्कीम, और एक प्रकार से क्या गिरावट भी दर्ज की गई है क्लेम्स में जो भारत आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम है उसमें भी। द अदर एक्सप्लेनेशन, और जो इसके बाकी जो यानी विस्तार से अगर हम बात करें, इज डेट एक्न यानी बराबर है किसके, टू ए डिक्लाइन इन डेथ फ्रॉम एक्सीडेंट, यानी जो एक्सीडेंट में भी मृत्यु कम दर्ज की गई। द लॉकडाउन हैज कंट्रीब्यूटेड टू ए डिक्लाइन इन ट्रांसमिशन ऑफ कंटेजियस डिजीजेस, और जो लॉकडाउन ने योगदान दिया वो क्या है, इसको ये छुआछूत वाली बीमारी है इसको भी कुछ हद तक कम करने में, उस टाइम पे केसेस कम आ रहे थे लॉकडाउन के टाइम पे, और उसी टाइम पे रोड की एक्सीडेंट वगैरह और जो बाकी एक्सीडेंट थे वो भी कम हो रहे थे क्योंकि लॉकडाउन था। मैनी ऑफ द आउटब्रेक, और यानी जो बहुत सारे इसके जो विस्तार है बीमारी के विस्फोट है, डेट आर रूटीनली रिपोर्टेड, और यह अभी यह रूटीन में यानी नॉर्मल रूप से यह रिपोर्ट किया जा रहा है। इन्वॉल्व, और इसमें इन्वॉल्वमेंट है क्या, पैथोजन यानी रोगजनक यानी जो बैक्टीरिया है वायरस है जो कॉन्ट्रैक्टेड फ्रॉम कंटामिनेटेड वाटर, जैसे कि जो किसमें से यानी दूषित पानी से और जो हवा दूषित हवा से, डेट स्प्रेड थ्रू सोशल इंट्रैक्शन जो फैलती है। वाइल द रीजन फॉर द डिक्लाइन, और जो इसके जबकि जो इसके रीजन है कमी के, कुड बी डेलिब्रेटेड अपॉन, वो यह जानबूझ के हैं। व्हाट इज अनएक्सेप्टेबल, जो कि अनएक्सेप्टेबल नहीं है, इज द लैक ऑफ पब्लिक अपडेट सिंस 12 मार्च के बाद, क्योंकि पब्लिक को अपडेट ही नहीं मिल पा 12 मार्च के बाद में, तो ऑटोमेटिकली अपडेट किसी चीज के हमारे पास रिकॉर्ड नहीं हुए डेटा नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली वो डिक्लाइन नहीं आएगा। द पेंडेमिक हैज टॉट द वर्ल्ड, इस महामारी ने हमें सिखाया है, नो मॉडलिंग कैन क्वाइट, यानी कोई भी प्रकार का हमारा मॉडल वो फोरकास्ट नहीं कर सकता आने वाले बीमारी के फैलने के लिए, यानी कि हम पहले से नहीं बता सकते चाहे कितने भी हम स्ट्रॉन्ग हो, कैसी भी हमारी कंट्री हो, चाहे अंडर डेवलपमेंट हो चाहे डेवलपमेंट वाली हो, यानी चाहे विकासशील देश हो चाहे विकसित देश हो, हम नहीं बता सकते कल हमारे यहाँ पे सामने कौन सी नई बीमारी पैदा हो जाएगी, और जरूरी नहीं है वो हमारे देश से दूसरे देश से भी आ सकती है वो। एंड एन एफ्लेशन यानी जो दुख दर्द कष्ट, डेट मे सीम अंडर कंट्रोल वन वीक कैन क्विकली बी थ्रेटन द नेक्स्ट वीक, यानी जो दुख दर्द हमें लगता है कि एक हफ्ते में जो बीमारी है वो ठीक हो गई है, वो हो सकता है अगले हफ्ते ही वो हमारे लिए एकदम सामने धमकी की तरह आ जाए, और यानी एक तरह का पूरी तरीके से फैल जाए वो अगले हफ्ते ही, यानी एक हफ्ते हमें लग सकता है कि वो सही है लेकिन दूसरे हफ्ते ही अगर हम ध्यान ना दें तो दूसरे हफ्ते ही वो सामने कुछ और सामने आ सकता है उसका। इफ द कंट्री हैज, अगर किसी देश में ऐसी पॉलिसी है डिसाइडेड टू अनलॉक, यानी उसको अनलॉक करने की, जैसे कि इंडिया में भी चल रही है, एंड रिस्टोर प्री पेंडेमिक रूटीन्स, और यानी जो महामारी से पहले के जो कार्य थे वो उनको रिस्टोर करने की, देन दिस शुड ऑल्सो अप्लाई टू रूटीन सर्विलांस, और साथ ही साथ क्या अप्लाई होनी चाहिए, रूटीन सर्विलांस यानी निगरानी फॉर अदर डिजीजेस, यानी कि जो बाकी और जो रोग है बीमारियाँ उनके लिए भी, बाकी अदर डिजीजेस के लिए भी उनके निगरानी करनी चाहिए। द IDSP ऑल्सो फेसिस ए मैन पावर क्रंच, जो IDSP है वो क्या इस समय फेस कर रहा है कि वहाँ पे क्या है लोगों की कमी है, एंड मिररिंग द एक्सपीरियंस ऑफ पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी इन अदर कंट्रीज इज ट्राइंग टू रिक्रूट इन द मिडल ऑफ पेंडेमिक, और वो कोशिश कर रहा है कि कुछ लोगों को उसमें भर्ती करने की इस महामारी के बीच के दौर में। इट इज डिबेटेबल, और यह चर्चा का विषय, हाउ यूजफुल दिस वुड बी टू इम्प्रूव COVID-19 सर्विलांस, कि क्या इससे कुछ हमें इम्प्रूवमेंट मिलेगी COVID-19 की निगरानी करने में, बट इट इज एसेंशियल, लेकिन यह बहुत जरूरी है इन इम्प्रूविंग ओवरऑल सर्विलांस की, जो संपूर्ण रूप से जो निगरानी करनी है वो भी बहुत जरूरी है और उसको इम्प्रूव करना भी, एज वेल एज प्रोवाइडिंग टाइमली अपडेट्स, और साथ ही साथ क्या प्रोवाइड करना लोगों को, प्रोवाइड यानी बताया जा सके टाइमली अपडेट टू द पब्लिक एंड इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज को। द पेंडेमिक नीड्स सीरियस फोकस, जो महामारी है उसको जरूरत है सीरियस फोकस की,
एंड इसके ऊपर ध्यान देने के, बट इंडिया कांट अफोर्ड टू इग्नोर अदर किलर्स, लेकिन साथ ही साथ भारत अफोर्ड नहीं कर सकता जो बाकी और बीमारियां हैं उनको इग्नोर करके, जिससे कि और ज्यादा मृत्यु हो उनसे भी। तो ये था आज का आर्टिकल, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको वॉइस में थोड़ा सा लगा होगी नहीं समझ में आ रही, तो आप प्लीज हेडफोन का यूज कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ी तबीयत ठीक ना होने के कारण आपको वॉइस में थोड़ा मिसमैच आ रहा हो या फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही हो, तो उसको आप थोड़ा सा बेयर कीजिएगा जब तक अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाता हूँ। तो बाकी आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया तो आप हमें विभिन्न प्लेटफॉर्म से फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।